हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन इंडिया। तो आज के वीडियो में लेकर आया हूँ इंडिया की सबसे बेस्ट जॉब। तो अब की बार निकली है वो है टीचर वैकेंसी। 17,000 पदों पर सुनहरे मौका देखने को मिल रहा है और इसमें आपको योग्यता भी मात्र बीएड की चाहिए तथा उम्र 40 वर्ष तक होनी चाहिए और वेतन है वह है 40,000 रुपये, जो कि हर आम आदमी चाहता है कि हमारी सैलरी हो इतनी। तो ये कुछ के ही नसीब में होने वाला है, तो इस पे आवेदन ज़रूर कीजिए। तो इसके आवेदन के लिए आपको इस वीडियो में बने रहना है अंत तक, ताकि आपको ये सारी जानकारी मिल सके। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं तो अंतिम तिथि है वह है 25 सितंबर। 25 सितंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। और जो पोस्ट है वह HST की, यानी कि हाई स्कूल शिक्षक। तो यहाँ पर सारी जानकारी मिलेगी इस वीडियो पर। लेकिन उससे पहले, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, तो इस वीडियो के नीचे दिख रहे लाल कलर के बटन को क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ पास में आ रहे घंटे के निशान को दबा के हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए। तो दोस्तों, अब हम करते हैं इस वीडियो को शुरू। तो यहाँ पर हमें कुछ बेसिकली दे दूंगा दोस्तों आपको कुछ योग्यता वगैरह की जानकारी। तो यहाँ पे देख सकते हो कि व्यायाम MBBPS 17,000 हाई स्कूल टीचर पदों पर अपर भर्ती शुरू। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए कि विभाग कौन सा, मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा बोर्ड, और पद कौन सा, हाई स्कूल टीचर। कुल पद कितने, 17,000। तो दोस्तों, इसमें आप ये मत मानिए कि सिर्फ ये मध्य प्रदेश में निकली है, ये आपके लिए भी है, चाहे आप बिहार में हो, चाहे आप राजस्थान में हो, और चाहे उत्तर प्रदेश में या किसी अन्य राज्य से भी हो। लेकिन दोस्तों, इसमें कोई भी आवेदन कर सकता है। लेकिन दोस्तों, इसके लिए कुछ आवश्यक नियम है, वो आपको पालन करने होंगे। तो क्या है वो पढ़ लेते हैं हम नीचे। तो यहाँ पे देखिए, योग्यता क्या चाहिए कि PG प्लस BA डिग्री, और यहाँ की PG और BA डिग्री दोनों साथ में चाहिए, और आयु सीमा 21 से 40 वर्ष तक होनी चाहिए। परीक्षा शुल्क है वह सामान्य और अन्य रोज राज्य उम्मीदवार के लिए 500 रुपये, और OBC SC ST के लिए 250 रुपये हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ऑफिशियली भी बताने वाला हूँ नोटिस, लेकिन यहाँ पे बेसिकली क्या है ये जानकारी प्राप्त कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे जैसा कि देख रहे हो कि अंतिम तिथि है वो है 25 सितंबर और परीक्षा दिनांक है 29 दिसंबर। 11 सितंबर से आवेदन शुरू हो चुके हैं और 25 सितंबर तक चलने वाले हैं। वेतन 36,200 रुपये प्रति माह मिलने वाला है। नौकरी स्थान मध्य प्रदेश से, और आवेदन मोड ऑनलाइन किया जाएगा, और वेबसाइट है अधिकाधिक stp.mp.government.in। जैसा कि मैं आपको ये नोटिस भी बताने वाला हूँ, क्या ये नोटिस, वो भी मैं पढ़ूंगा दोस्तों। तो यहाँ पे वीडियो पे बने रहिए आप। और यहाँ पे कुल पद कितने हैं, 17,000 हैं, और पद का नाम हाई स्कूल टीचर, यानी कि शिक्षा पात्रता परीक्षा 2018, और योग्यता है बीएड के साथ परिषद संघ विषयों में तृतीय श्रेणी स्नातकोत्तर डिग्री मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। तो यहाँ पे वेतन है 36,200 रुपये प्रति माह, और आवेदन शुल्क वगैरह यहाँ पे देख सकते हो। और चयन प्रक्रिया किसके द्वारा, तो लिखित परीक्षा में उनका प्रदर्शन देखने के पर उदा के बाद ही किया जाएगा उनका चयन। और लिखित परीक्षा कैसे होगी, तो लिखित परीक्षा में दो भाग शामिल होंगे। भाग ए सभी उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य होगा, और भाग टू उम्मीदवार केवल एक विषय चुन सकते हैं। और भाग ए में दोस्तों, यहाँ पे देख ही रहे हो कि पहला है सामान्य हिंदी, जिसमें 10% होंगे, और अगला है, और कुल प्रश्न अंक कितने होंगे, 10% के 10 ही अंक आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि 1% एक अंक का होने वाला है। और दूसरा है सामान्य अंग्रेजी, जिसमें 8% होंगे और 8 ही अंक होंगे। तीसरा है सामान्य ज्ञान व समसामयिक घटनाक्रम, जिसमें 10% होंगे और 10 ही अंक होंगे। चौथा है तार्किक एवं आंकिक योग्यता, जिसमें 7% होने वाला, 7 ही अंक होने वाले हैं। और पाँचवा है पेडागोजी, जिसमें 15% और 15 अंक होने वाले हैं, और कुल मिला के 50% होंगे, 50 अंक होने वाले हैं। जो कि भाग बी कैसे होने वाला, तो दोस्तों भाग बी में क्या करना होगा कि पहला प्रश्न आएगा जो है हिंदी विषय में दोस्तों आपकी हिंदी भाषा है, जो कि 100% आने वाला है, और 100 अंकों के। अंग्रेजी भाषा में 100%, वो भी 100 अंकों के। और संस्कृत भाषा में 100% 100 अंकों के। उर्दू भाषा में 100% 100 अंकों के। और इस प्रकार गणित में भी, और भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, गृह विज्ञान, वाणिज्य, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, कृषि, समाजशास्त्र, इन सभी में 100% आएंगे और 100 अंक होंगे। तो परीक्षा केंद्र निम्नलिखित केंद्र पर आयोजित की जाएगी। लेकिन दोस्तों, आप सोच रहे हैं कि हमारे यहाँ पर क्यों नहीं, क्योंकि दोस्तों ये मध्य प्रदेश में हुई है आयोजित, और मध्य प्रदेश के इलाकों में ही यहाँ पर जो परीक्षा केंद्र वो बनाए गए हैं। तो लेकिन दोस्तों, आप ये मत सोचिए कि हम नहीं आवेदन कर सकते। आप कहाँ से भी हो, आवेदन कर दीजिए दोस्तों, फटाफट आवेदन कीजिए। 25 तारीख आखिरी डेट है, उससे पहले आपको आवेदन करना है। और ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पे देख लीजिए, ऑनलाइन परीक्षा केंद्र भोपाल है, इंदौर है, जबलपुर है, ग्वालियर है, उज्जैन है, नीमच है, सतलाम है, मंदसौर है, सागर है, सतना है, खंडवा है, गुना है, दमोह है, कटनी है, सीधी है, छिंदवाड़ा है, बालाघाट है, रीवा, सिवनी, खरगोन, 20 परीक्षा केंद्रों पर यहाँ पर परीक्षा आयोजित की जाएगी। यानी कि 17,000 पद हैं और 17,000 पदों पर 20 जगह ये परीक्षा की जाएगी। तो यहाँ पे देखिए कि आवेदन कैसे करना है, तो आवेदन ऐसे कर सकते हो और मैं आपको सारी जानकारी मैं आपको दे दूंगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिए, ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि हो चुकी है 11 सितंबर है और आवेदन करने की अंतिम तिथि वो 25 सितंबर है। तो अब हम जान लेते हैं क्या है वो नोटिस, तो जो ऑफिशियल नोटिस है वो क्या आया हुआ है, तो वो भी देख लेते हैं हम। तो ये जो मैंने ऑफिशियल नोटिस जारी किया है वो जो मध्य प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट है pebmp.government.in पर, वहाँ से मैंने ये ऑफिशियली नोटिस जारी किया है, तो वहाँ से आप भी डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। तो वो देख लीजिए दोस्तों, आपको मैं बता दूंगा लास्ट में और कि कैसे डाउनलोड कर सकते हो आप। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जानकारी क्या है वो प्राप्त कर लेते हैं हम कि दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभ तिथि है वो 11 है, और जबकि ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधित करने की प्रारंभ तिथि है वो भी 11 ही है, यानी कि 11 सितंबर दोनों की तिथि है। और परीक्षा दिनांक व दिन है तो वह है 29 दिसंबर 29 दिसंबर 2018 से आपके परीक्षा चालू होगी। तो यहाँ पे आखिरी डेट कहाँ है वो मैं आपको नहीं बताई गई यहाँ पे, और मैं भी दोस्तों आपको नहीं बता सकता क्योंकि यहाँ पे लिखी हुई नहीं है और मुझे पता नहीं है अभी तक। तो यहाँ पे जैसे ही मुझे पता होगी तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा दोस्तों कब तक चलने वाली है परीक्षा। और यहाँ पे देख सकिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि है वो है 25 तारीख यानी कि 25 सितंबर, और ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन करने की अंतिम तिथि वो है 30 सितंबर, यानी 30 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन की जा सकती है। तो यहाँ पे 11 से 30 सितंबर तक है वो है संशोधन करने की अंतिम तिथि, और जबकि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की है 11 से 25 सितंबर तक। तो यहाँ पे देखिए परीक्षा शुल्क क्या है, तो दोस्तों अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए वो है 500 प्रति माह प्रति प्रश्न पत्र, यानी कि इसमें कहा गया है कि जो राज्य से बाहर आए निकले यानी कि जो मध्य प्रदेश के अलावा आएँ उनके लिए 500 रुपये चाहिए, जबकि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और जो कि ये बल्कि सिर्फ और सिर्फ है वह है यहाँ पे देख रहे हो मध्य प्रदेश वालों के लिए जो कि 250 रुपये हैं। तो फिर यहाँ पे देखिए नीचे आते हैं दोस्तों, देखिए कि कौन सी प्रथम पारी और द्वितीय पारी में दो पारियों में परीक्षा होने वाली है 29 दिसंबर को, और जो कि देखिए अभ्यर्थियों के लिए रिपोर्टिंग समय है वो है प्रातः 7 से 8 बजे तक और दोपहर 12 से 1 बजे तक चलने वाली है द्वितीय। और देखिए यहाँ पे देखिए कितना समय आपको दिया जा रहा है, देख लीजिए आप कि 7 से 8 बजे तक यहाँ पे रिपोर्टिंग समय है, और महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय वो है आधे 10 मिनट का मिलेगा, और उत्तर अंकित का समय वो मिलेगा दोस्तों 2.5 घंटे का आपको समय दिया जाएगा दोस्तों, दो घंटे का 2.30 घंटे का समय आपको प्रदान किया जाएगा। और यहाँ पे देखिए द्वितीय पारी में भी इतना ही समय सेम टू सेम दिया जाएगा, लेकिन दोस्तों द्वितीय पारी और प्रथम पारी में फर्क देखने को मिल रहा है आपको कि यहाँ पे देखिए आधे घंटे का गैप देखने को मिल रहा है, बाद में आधे घंटे बाद द्वितीय पारी शुरू की जाएगी। तो यहाँ पे देखिए दिशा निर्देश वगैरह आप पढ़ लीजिए जाकर ऑफिशियल वेबसाइट पर, मैं आपको बताऊंगा लेकिन दोस्तों लास्ट में बताऊंगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कि मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के उत्तर उच्च माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा 2018 भर्ती नियम 3 से 8 पृष्ठक्रम से वगैरह सारी जानकारी देखने को मिल रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये ऑफिशियली आपको मिल जाएगी दोस्तों जानकारी, ऑफिशियली मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए कैसे डाउनलोड करना है आपको, तो वह आपको बता देता हूँ अब। तो यहाँ पर जैसा कि मैं आ चुका हूँ दोस्तों, मैंने सर्च किया है pebmp., यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि होम पेज गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, तो इसको ही हम ओपन कर देते हैं अभी। तो यहाँ पे देखिए आ जाने के बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको सारी जानकारी देखने को मिल रही है यहाँ पे, कि जो यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं वो इसी के हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, और यहाँ से नहीं तो एक और तरीका मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने ये होम पेज आपको ओपन करना है, होम पेज ओपन करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको क्लिक कर देना है, फिर दोस्तों देखिए ओपन हो रहा है। और देखिए ओपन होने के बाद यहाँ पर देख सकते हो आप कि ये जो ये आपके देख रहे हो सेकंड पॉइंट आ रहा है कि ऑनलाइन आवेदन उच्च माध्यमिक शिक्षा पात्रता विज्ञापन वगैरह, तो यहाँ पर इसको ही आपको ओपन करना है, जैसे कि मैंने ओपन कर रखा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर विज्ञापन नियमित पुस्तिका वगैरह कुछ भी देखना हो यहाँ पे, यही 17,000 पदों पर ही आपको देखने को मिलेगा, वैकेंसी की सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी, और इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी सीधे जाइए इस वेबसाइट पर। दोस्तों अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, और दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।